Magical Jaint Bubbles। बुलबुला के गांव में कन्ना कहकर एक आदमी रहता था। वो गांव-गांव घूमकर बबल्स के पाइप से खिलौने बनाकर बेचता था। उनका पिता भी यही काम करता था। कन्ना को दो बच्चे थे, मुन्ना और बिट्टू। दोनों वही गांव में एक सरकारी पाठशाला में पढ़ाई करते थे। उस पाठशाला को जाने के लिए बच्चों को नदी के पुल को पार करना पड़ता था। कन्ना बबल्स बेचकर मिले पैसों से परिवार का पोषण करता था। एक बार कन्ना की पत्नी मीना, सुनिए जी, आप ये व्यापार करके कितना दिन जिएंगे? ये बबल्स के खिलौने से मिले हुए पैसे बहुत कम है। मेरी बात सुनकर मेरे गहने गिरवी रखकर कोई नया व्यापार शुरू करते हैं। नहीं मीना, ये तो पीड़ों से आ रहा जाति पेशा है, इसे मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। यही बबल के खिलौने से कोई नया प्रयोग करने के लिए सोच रहा हूँ। इससे तो कुछ मिल ही नहीं रहा, और ऊपर से प्रयोग भी करोगे। आपके पिताजी का बबल्स का पाइप को अब तक रखे हुए हो, कम से कम उसे तो फेंक दो। अब वो घर में रहेगा तो तुमको क्या दर्द है? पहले बच्चों को खाने के लिए कुछ तो तैयार करो। तब मीना गुस्सा होकर उधर से चली गई। कन्ना उनका पिताजी का दिया हुआ बबल्स पाइप को देखते हुए, इसे मेरे पिताजी बिल्कुल नहीं फेंकने के लिए कहे, क्यों पता नहीं, सोचा। एक बार बड़ा बाढ़ आकर बुलबुला गाँव के पुल पानी में बह गया था। तब उस गांव के बच्चों को स्कूल जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। कन्ना उस गांव के लोगों के साथ मिलकर उस गांव का प्रेसिडेंट मान सिंह के पास गया। देखिए प्रेसिडेंट जी, हमारा गांव का ब्रिज तो गिर गया है, और उसका जगह नया ब्रिज बनाने के लिए बहुत बार आपसे कहे थे। सरकार से तो पैसे मिले हैं, लेकिन उन पैसों को आपने खा लिया है कहकर बाहर सब लोग बात कर रहे हैं। लेकिन वो ब्रिज का निर्माण कब करेंगे? बच्चों को स्कूल जाने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है जी। देखो कन्ना, वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कहकर ये सब नहीं कहो, सीधा बोलो कि मैंने वो पैसे खा लिया है। हाँ हाँ, वो तो सच है कि मैंने वो पैसे खा लिया है। अब तुम मुझे क्या करोगे? आपके पीछे राजनेता और पुलिस का पावर है कहकर ऐसे बात कर रहे हैं ना? एक ना एक दिन आपका ये पाप प्रतिबिंबित होगा और आप बहुत पछताओगे। देखो, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, अगर और भी ज्यादा देर इधर रुकेगा तो मैं अपने कुत्तों को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। हाँ हाँ, छोड़ोगे छोड़ोगे, वोट पूछने के लिए कुत्ते जैसे हमारे पीछे पड़े हो, और आप कुत्तों को हमारे ऊपर ही छोड़ोगे? देखो बहन जी, आप मुझे ऐसे ही मुफ्त में वोट नहीं डाली थी, एक एक को 1,000 रुपए दिया था, इसलिए आपने मुझे वोट डाले थे। वो पैसे पहले कमाने हैं मुझे, अब आप इधर से निकलो। तब लोग कुछ नहीं कर पाकर उधर से चले गए। कन्ना के घर में उनके बच्चे, पिताजी अब से हम स्कूल नहीं जा सकते हैं क्या? क्यों नहीं बेटा, जाएंगे जाएंगे, जरूर जाएंगे। तभी उनका नजर उनका पिता दिया हुआ बबल्स पाइप पर गिरा, और उनका पिताजी का बात याद आने लगे। देखो बेटा, ये बबल्स का पाइप तुम्हें मुश्किल समय में बहुत उपयोग होगा, ये एक स्वामी जी ने मुझे दिया है। तब कन्ना उस पाइप को लेकर फूंकना शुरू किया। तब उसमें से एक बड़ा सा बबल आया, वो एकदम मजबूत था और नहीं फट रहा था। कन्ना वो देखकर हैरान रह गया। मुन्नी उस बबल को छूने के लिए कोशिश किया, और अचानक उस बबल के अंदर चली गई, और वो बबल उड़ने लगी। कन्ना मीना बिट्टू वो देखकर हैरान रह गए। तब कन्ना को वो एक माया बबल पाइप है कहकर समझ में आया। फिर से दो बबल फूंककर बिट्टू और मुन्नी को उन बबल्स में बिठाया, और उन बबल्स को दोनों बच्चों को स्कूल में छोड़ने के लिए ऑर्डर किया। तब वो बबल्स दोनों बच्चों को स्कूल में लेके गए। बच्चे तो उसमें बैठकर बहुत खुश हो गए। अगले दिन से कन्ना गांव में सब बच्चों को उन बबल्स में स्कूल भेजा। ऐसा कन्ना का जेंट बबल्स बगल वाले गांव में भी प्रसिद्ध बन गए। तब से बहुत लोग आकर उन बबल्स में चढ़ने के लिए कन्ना को पैसे भी देने लगे। ऐसे कन्ना बहुत सारे पैसे और नाम कमाना देखकर मान सिंह बहुत जलने लगा। उनके आदमियों के साथ कन्ना को मारने के लिए आया। तब कन्ना बबल्स पाइप फूंका, तब वो बबल मान सिंह और उनके आदमियों को लेकर उड़ गई।
वो देखकर लोग बहुत खुश हो गए। ऐसे कन्ना उस गांव का समस्या का परिष्कार करके बहुत सारे पैसे कमाया। बाद में वो खुद उस गांव का प्रेसिडेंट बनकर उस गांव को एक टूरिस्ट प्लेस जैसे बदलकर एक नया ब्रिज का निर्माण भी करवाया।